नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। पूरे बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 70 जगहों पर मोदी सरकार के द्वारा बिहार में किए गए कार्यों को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को रखा गया है। दरभंगा सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी को मिथिला से विशेष लगाव है, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन पर मिथिला क्षेत्र को रिटर्न गिफ्ट के रूप में एम्स एयरपोर्ट और अटल सेतु जैसा ऐतिहासिक सौगात दिया है। वही उन्होंने कहा कि 1934 के भूकंप में दो भागों में विभक्त हो चुके मिथिला क्षेत्र और अटल जी ने कोसी महासेतु के शिलान्यास कर मिथिला को एक करने का सपना देखा, जिस सपने को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अटल महासेतु का उद्घाटन कर अटल जी का सपना पूरा किया। उन्होंने कहा दरभंगा में जल्द ही लोग विद्यापति एयरपोर्ट से हवाई सेवा की सुविधा लेंगे और पूरे दुनिया के लोग मिथिला क्षेत्र से जुड़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही दरभंगा में एम्स का निर्माण होने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई विकासतम बदलाव होंगे। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने के लिए मिथिला क्षेत्र के कृषकों को बढ़ावा देते हुए मछली और मखाना के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए सरकार ने फंड निर्गत किया है, जिससे यहाँ के किसानों को काफी लाभ होगा। संवाददाता सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष जीवश सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली, सुजीत मलिक, पूर्व जिला अध्यक्ष हरी सहनी, जिला मीडिया प्रभारी प्रेम कुमार मिश्रा, युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। जो भी भारत माता की जय करेगा, हम उसकी जय करेंगे। अभी देश के बारे में, क्योंकि सब जगह वही बातें हो रही हूँ, इसलिए मैं आपको, आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। 6,000 तो हम अकाउंट में ही डाल रहे हैं। अब किसानों को ये अधिकार दिया है कि वो अपना अनाज, अपनी चीज़ें वो पैदा करे तो वो कहीं भी बेच सकता है। एक बड़ा ऐतिहासिक कदम, सिंचाई, खासकर मत्स्य पालन पे हम लोगों ने बहुत जोर दिया है। बिहार में आज भी मछली बहुत आंध्र से और कई जगह से आती है, बिहार में, जबकि राज्य यहाँ मंत्री थे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।